house cleaned. It was so dirty. Oh God. Sangram was not able to give clear instructions to the staff. So I have to get everything cleaned. Yeah, baby. Back in Mumbai. I was just resting it out yesterday because the ghar itna mess mein tha. Because servants are servants, ab kya kar sakte ho? And Sangram must have not actually told them much. She must have just let them figure it out, because cleaning job is cleaning job. But like I told you, India ka labor is India ka labor. They are not fit to work anywhere. So I just made the house little normal yesterday. मेरे ना बैक में थोड़ी मोच हो गई है. आई थिंक इट विल गेट ओके बाय टुडे. देयर वाज वोटिंग आल्सो यस्टरडे फॉर वर्सो असेंबली. आई डिड नॉट गो टू वोट बिकॉज आई वाज नॉट डिसाइसिव अबाउट होम टू वोट एट दिस लोअर लेवल. जब वोटिंग होती है टू डिसाइड अ लीडर ऑन द अपर लेवल, यू आर क्लियर इन योर हेड दैट आपको मोदी जी को वोट करना है या आपको किसी और को वोट करना है. अभी तक तो आई बीन वोटिंग मोदी जी एट दैट लेवल. बट लोअर लेवल पे भी जो उनके पार्टी के सदस्य हैं या जो दूसरी पार्टी के सदस्य हैं, मुझे किसी को वोट नहीं करना था. आई वॉज वेरी क्लियर इन माई माइंड बिकॉज दे ऑल द सेम, दे विल डू द सेम शिट अंडर डिफरेंट नेम्स. जो हॉकर्स पहले थे रोड के ऊपर, वही हॉकर्स बाद में रोड के ऊपर रहेंगे. जो गंद पहले था रोड के ऊपर, वही गंद रोड के ऊपर रहेगा. द एरिया वर्सोवा विल रिमेन लाइक दैट. सो आई बॉदर माई सेल्फ एंड प्रिटेंड एज इफ माई वोट विल मैटर एंड देर विल बी अ चेंज एट दिस लोअर लेवल. द लोअर लेवल विल रिमेन डर्टी. या जैसे मैंने आपको बोला, मोदी जी इज़ नॉट अवेयर कि उनकी ट्रोल फैक्ट्री क्या क्या करती है. सो देन दैट्स नॉट हिज प्रॉब्लम बिकॉज ही इज बिजी विद बिगर इश्यूज, बट दैट इज हैपनिंग एट द लोअर लेवल. सिमिलरली वर्सोवा इलेक्शंस में कौन जीतता है, इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट मी एनी मोर बिकॉज दे आर ऑल द सेम, दे आर ऑल गोइंग टू डू द सेम शिट. सो व्हाई शुड आई प्रिटेंड एज इफ माई वोट मैटर्स. सो आई डिडंट गो एंड वोट. आई जस्ट रेस्टेड इट आउट. I think this is a pause for namaz. What do you say? Like this. Yeah. This is a yoga asana. I am being mobbed in loudspeakers because people know I cannot tolerate it. They think I cannot. But I love it. Shanti. All your servants are normal? They are not drunk or anything? Yeah, no interaction, beta. Just pass. I'm just doing time pass, no, in Bombay till I'm in Bombay. That's the whole thing. So, kya stress kyun lene ka? ठीक है ना. मगर कल घर इतना गंदा था, कल घर इतना गंदा था, मतलब उल्टी आ जाए. ये लोग क्या सफाई करवाते हैं, मतलब संग्राम को बेवकूफी बनाते हैं ना. इतनी गंदगी कि कोई आदमी मतलब क्यों रखेगा आपको, किसके लिए बुला रहा है आपको? आप हमारे घरों में घुस क्यों रहे हो अगर आपको सफाई करनी नहीं आती तो? Because people don't mind. I have seen people don't no, mind. No, Mama, it is like doing no safai. You please understand. आप अदरवाइज काम ही अलॉट मत करो ना. इतना गंदा घर के घर में से मड की स्मेल आ रही है. There is mud everywhere. मतलब डस्टिंग. तुम संग्राम पहले आया, मतलब 5 दिन पहले आया, तो कुछ तो होना चाहिए था ना सफाई, इन टर्म्स ऑफ सफाई. हाँ तो ये तो बोले नहीं, वो तो कर आजकल वो डस बेटा. When you are on the head little bit they do. Okay, चलो I'll call you back. यहाँ पे जिम में नया लाउडस्पीकर लग गया है, मैंने सुना है, मैंने देखा है. क्या लग गया? जिम में नया लाउडस्पीकर लग गया है. हाँ अच्छी बात है, लेकिन नई इक्विपमेंट्स भी आ गया. ओके बाय बाय बाय. हाउ इज योर बैक? माय बैक इज फाइन. वो मोच हो गई थी, मोच पता है, मोच होती है, मोच वो हो गई थी. मुझे ना अहमदाबाद का ना पानी सूट करता है, ना माहौल सूट करता है, ना सराउंडिंग सूट करती है. मैं कह रही हूँ अहमदाबाद का घर बेचो और बॉम्बे आ जाओ. हाँ लेकिन कैसे आएंगे? पहले घर को बेचो ना,
फ्लाइट से आएंगे। आएंगे कैसे? फ्लाइट से। Who will pick up my How will you pick up my room with beds and bucket? No, I will make the same beds and I will get you the same bucket and I will pick you up. अभी आपने 24 घंटे दिन हुए हैं, आपने स्टेटमेंट दिया था कि हमारा पर राइट इतना छोटा है कि 12 साल से हमें बेड्स भी नहीं है। Papa, Pearl Heights is worse than railway compartment. Railway compartment, at least you know it is railway compartment. Pearl Heights, people think it is a tower. So it is not a tower. It is worse than railway compartment. You understand? नहीं, ऊपर से railway compartment इतना गंदा था कि कल मैं वो railway compartment को देखकर ही सोचने लगी कि मैं कहाँ फंस गई। फिर मैंने सोचा पायल सोच ये reality show का एक scene है और reality show के एक scene में तेरे को कैसे handle करना होगा। तो फिर मैं आज 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 उसको एक साल हो गए हैं, आपने 20,000 रुपए दिए हुए हैं। किसको? अब बेरी में आपने लिया था ना, कहाँ पे 20,000 लगे? क्या लिया था? आपने फूड बिजनेस के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट। उसको भी 3 साल के लिए है वो लॉक इन पीरियड ना, कि 1 साल के लिए? 3 साल के लिए था, आप देखो डॉक्यूमेंट। हाँ हाँ, चिल करो पापा, हमने 20,000 की पब्लिसिटी खा ली, क्या फर्क पड़ता है? बिजनेस के लिए 20,000 की पब्लिसिटी खा रही, पीआर को पैसे नहीं दिए और रेलवे वालों को पैसे दे दिया। तो मेरी को 20,000 दे के पब्लिसिटी मैं भी कर रहा हूँ। हाँ तो आप कर ही रहे, आपकी करूँ क्या पब्लिसिटी क्राउड फंडिंग की? बताओ, मेरे इंस्टाग्राम पे करूँ? बोलो करूँ? ट्विटर खत्म हो गया। ट्विटर तो ऐसे पापा सब ऐसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, टाइम पास करना होता है और अपनी गाड़ी चलानी होती है। 1 लाख में एक भी जेन्युइन नहीं निकलता है। क्या ब्लू स्काई पे क्या करना है? और ट्विटर के कंपटीशन में निकाला। अच्छा, जो ट्विटर का ओरिजिनल ओनर था ना, वो हेवर डॉर्सी। अच्छा, ही वाज डॉर्सी। डॉर्सी क्या नाम है? ये तुमको है ना, ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स कौन भेजता है? मतलब कहाँ से तुम्हारा ब्रेन वॉश होता है व्हाट्सएप फॉरवर्ड से? क्योंकि ना तो तुम बाहर जाते हो, ना तो तुम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, तुम अपने कोप भवन में बैठे हो, तो तुम्हारा जो ब्रेन का वॉशिंग होता है वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड से होता है, है ना? ये सब न्यूज आती है ना, कहाँ से आती है पता नहीं, कहाँ से आती है, फॉरवर्ड ही आता है। तो फॉरवर्ड ही आता है, तो फॉरवर्ड इज एक्चुअली फकिंग योर ब्रेन्स, नो दैट्स द प्रॉब्लम। हाँ, बट आई डिलीट 90% ऑफ देम। यू डिलीट विदाउट प्रमोटिंग इट, विदाउट स्प्रेडिंग इट? हाँ, अभी तो सुबह सुबह आया, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ क्वाइट मोमेंट एंड अ साइलेंट मोमेंट? अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्वाइट मोमेंट एंड अ साइलेंट मोमेंट? हाँ, वाओ, बोथ आर वुमन ओनली। अच्छा ठीक है, क्या डिफरेंस है? साइलेंट इज क्वाइट मोमेंट इज अ मिरेकल and silent woman is a time bomb. Silent woman is a time bomb, no? And quiet woman is a miracle. तो ये जो क्वाइट वुमेन्स है ना, इनको एमपी बनाया जा रहा है, उनको वे स्पीच दे देते हैं, फिर उनको बोलते हैं अनक्वाइट हो जाओ, फिर उनको फिर से बोलते हैं क्वाइट हो जाओ। कल वोटिंग करा नहीं करा? नहीं किया वोटिंग, फालतू में क्यों वोटिंग करूं मैं यहाँ पे वर्सोवा असेंबली के लिए? सबके सब भरे हुए हैं, जो क्या गंद है यहाँ पे पापा, एक को करो दूसरा आएगा। हाँ, इसीलिए यू वांट टू कॉल मी टू बॉम्बे टू शेयर दैट गंद? नो नो नो, आई एम नॉट गोइंग टू, वी आर नॉट गोइंग टू स्टे इन दिस एरिया, वी विल होपफुली फाइंड अ बेटर एरिया, बिकॉज दिस इज अभी ये गंद है। हाँ, उसको बोलो, उसने बोला था अंकल जी कब आ रहा, वही देख रही हूँ पहले वहां पे स्टेइंग का, वहां पे 1 बेडरूम अपार्टमेंट की अरेंजमेंट हो जाए ना मेरी। बैठी हुई है? हाँ, मैं नीचे आई हूँ ना, बिकॉज हमारे टेरेस पे वो अभी तक ग्रीन कार्पेट बिछा नहीं है, तो मैं उसको वहां पे बैठ नहीं सकती ना टेरेस पे, वो गीला गीला है सब कुछ। मदर सर्वेंट हैज नॉट कम मदर सर्वेंट हैज नॉट कम नॉट कम ओके आई टॉक टू हर बाय।